कांग्रेस लीडर व हल्का असेंबली नामपल्ली के कंटेस्टेड उम्मीदवार मोहम्मद फेरोज खान ने असेंबली में मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी को तनकीद का निशाना बनाते हुए बताया कि अकबरुद्दीन अवैसी के पास हिम्मत नहीं थी कि वो बीआरएस पार्टी के इख्तदार में रहते सवालात पूछ सकें। कांग्रेस पार्टी बरसर इख्तदार आने के बाद इनसे सवालात किए जा रहे हैं। अकबरुद्दीन अवैसी से फेरोज खान ने सवाल किया कि अगर आपकी पार्टी बीजेपी की बी टीम नहीं है तो मक्का मस्जिद आकर कसम खा लो। फेरोज खान ने कहा कि अब मस्जिदों की शहादत याद आ रही है, सिगरेटेट के मसाजिद शहीद होने पर क्यों खामोश बैठे थे, क्यों बीआरएस की तायद की जा रही थी। फेरोज खान ने बताया कि आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी सीबीसीआईडी तहकीकात कराएगी और वक्फ प्रॉपर्टीज के मामले में फेरोज खान खुद रिवेंट रेड्डी से मुतालबा करेंगे कि इंक्वायरी कराई जाए। पेश है इस खसूस में फेरोज खान के ख्याल। वीडियो रिपोर्ट siyasat.com। अभी तुम आके मक्का मस्जिद में कसम खा लो कि नरेंद्र मोदी की बी टीम नहीं है, भोगस होटा हम नहीं जलाए और भोगस होटा हमारे पास है नहीं। तुम कसम खा लो अकबरुद्दीन, मैं पहले लास्ट टाइम बोला था तुम्हारे भाई के पेट में मुंडी डाल देता हूँ, तुम्हारे पेट में मुंडी डाल देता हूँ। ये बेकार का बलवा नको करो, बेकार का लंगा बकवा चोर बकवा वही चुरोना, बेवा जैसा रोती वैसी चुरोने का। डेवलपमेंट की बात करो, तुम्हारे को हिम्मत नहीं थी केसीआर को पूछने की। तुम बोलना था असेंबली से हम वॉकआउट कर रहे हैं, केसीआर मस्जिदा शहीद हुए तुम्हारे जब याद नहीं था, अब याद आ रहे मस्जिदों के ताल्लुक से। लैंको हिल चले गया जब याद नहीं था तुम्हारे को। इसी तरीके से कई बातें हैं तुम्हारे, सीबीसीआईडी बोल के तुम बोले केसीआर के टाइम पे, वो मेरे को याद है। पर सीबीसीआईडी बोल दिए तुम बोले असेंबली में, साहब हम सीबीसीआईडी बोलते हम ड्रामा करते, तुम सुने वैसा नको सुनो। मुख्यमंत्री कई कुने डाला सीबीसीआईडी, मुख्यमंत्री लिख सकता था ना सीबीआई इंक्वायरी, कई कुने लिखा। थोड़ी देर रुक जाओ, मैं रेवंत रेड्डी को बोलूंगा सीबीआई इंक्वायरी करो, और थोड़े दिन रुक जाओ, कांग्रेस क्यादत में आने वाली है सेंटर में भी, तो स्टेट और सेंटर निकलेंगे, वक्फ बोर्ड के जितने भी छोरा है लंगे है पूरों को इंशाल्लाह जेल को भेजा देंगे। पर रही बात, आप जो बड़े बड़े बात करते, मेरी आपसे गुजारिश है अकबरुद्दीन, बड़े बड़े कामा करो तुम, राइट, 6 टाइम जीते होंगे और अल्लाह करे तुम 16 टाइम जीतो, मगर तुम है मुसलमानों के सौदागर, तुम और तुम्हारे भाई सारे हिंदुस्तान में फिर के पूरे मुसलमान कायदों को खत्म कर दे रहे। तुम ना वोटा ले लेके बीजेपी को सपोर्ट कर रहे, लेटेस्ट तुम राजस्थान में गए, तो ये तुम्हारी जो है नीति, तुम समझ रहे थे बिल्ली बन के तुम दूध पी सकते, आज पूरी दुनिया को मालूम पड़ गया तुम ना कैसे लंगे और चोरा है। तो हर बात रेवंत रेड्डी एक्सेप्शन के वैसा तुम लोग को दावत को बुलाया, तुम डर के बोल रहे तुम दावत को बुलाए तो हम गए, तो तुम्हारी तो औकात नहीं है रेवंत रेड्डी को दावत में बुलाने की। जब तुम्हारे को बुलाए तो तुम उसको इज्जत से, हाँ साहब आया भाई, और रेवंत रेड्डी कहीं को बुलाए, एमआईएम पे मोहब्बत है क्या रेवंत रेड्डी को? अरे रेवंत रेड्डी आप पूरे तेलंगाना के मुख्यमंत्री बन गए, रेवंत रेड्डी किशन रेड्डी को फोन नहीं करे साहब जरा पैसे अटके हुए भिजाओ तेलंगाना को। तो रेवंत रेड्डी चुनाव के टाइम पे अलग रहते, अब एक मुख्यमंत्री है, कस्टोडियन ऑफ तेलंगाना है, उन्होंने इतनी इज्जत से बुलाए तो मुख्यमंत्री हमारे को बुलाया, बेहतरीन मुख्यमंत्री है बोल के बात बोलना। तू हमारे सपोर्ट में नहीं है ना, आप हमारे सपोर्ट में रहते, राहुल गांधी क्लियर कट बोल दिए, असदुद्दीन बीजेपी का एजेंट है, तेलंगाना में आके 3 टाइम ठहर के बोल दिए, जब इन्हें एजेंट है तो तेरे पार्टी से हमारे को क्या लेना देना, रही बात। और रेवंत रेड्डी एक शेर है और तू शेर के मुंह में उंगली डालवा, तो ऐसी बात आप करना छोड़ दीजिए, जो भी बात है आप जाके मामू से पूछना है, हालू से पूछना छोड़ दीजिए, मुसलमानों को बेवकूफ रखो बनाओ। हिंदू अपने हैदराबादी लैंग्वेज में, अकबर तुम मैं बचपन से हैदराबाद लैंग्वेज में बोलो, पब्लिक को रखो मारो, डेवलपमेंट करो, राइट। अब कांग्रेस डेवलपमेंट करती बोली, 10 साल में कभी केसीआर को तो तुम ओल्ड सिटी लाए नहीं, समझे ना, इस्तांबुल बनाते हो डैलस बनाते हो बोल के बोले सो तुम करे तो कुछ नहीं, मगर सेम गुंडागर्दी करके तुमने चुनाव जीते, वो कसोटा जाके गए, तुमने जितने भी एमएलए हरान की क्यादत के एमएलए है सारी दुनिया को मालूम है, नहीं भाई हमारी हराम की खैरत नहीं, हम ना भुगतोटा नहीं दलाए, मक्का मस्जिद को चलते, मैं अब भी तैयार हूँ, जुमे की नमाज हो गई इंशाल्लाह ईशा में मिलेंगे, नहीं तो नेक्स्ट जुमे को मिलेंगे, नहीं तो कल जोहर में मिलेंगे, असर में मिलेंगे। ये सो बात छोड़ दो, पब्लिक समझ गई तुम्हारा ड्रामा, तुम जो भी है स्क्रिप्ट पे बात कर रहे हैं, बीजेपी की स्क्रिप्ट है, एमपी चुनाव आना है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बोलता हूँ तुम्हारे को, तुम्हारे को बहुत गुस्सा है क्योंकि तुम मामू केसीआर को वादा करे थे
तेलंगाना में कांग्रेस नहीं आती, पूरे मुसलमानों के वोट हमारे को गिरते, हम इस मुसलमान के चैंपियन है, हम हाली फील्ड है, माइक टेंशन है बोल के तुम ना बोल लिए थे, हाली फील्ड गया, माइक टेंशन गया, बैगन में मिल गया तुम लोग, पूरे मुसलमान मिलकर कांग्रेस को वोट डाल दिए, तो उसके लिए तुम लोग हैरान गौरान परेशानी में शेरवानी में चीख रहे आप, राइट, थोड़ी आपकी सेहत भी अच्छी नहीं है, ज्यादा अच्छी हो आप, राइट, इंशाल्लाह मैं आने वाला हूँ असेंबली में, जय हिंद, अल्लाह हाफिज़।